काशीपुर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि शातिर अपराधी एसबीआई का एटीएम ही चोरी कर ले गए। वहीं बदमाशों ने एक शिक्षक को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम चोरी किए जाने को लेकर शाखा के मुख्य महाप्रबंधक अनुमय कुमार ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इस बारे में काशीपुर पुलिस अधीक्षक अभय प्रताप सिंह ने बताया कि दो दिन पहले अज्ञात चोरों द्वारा रात्रि के समय एसबीआई के मुख्य शाखा के एटीएम चोरी किया गया। बैंक के मुख्य प्रबंधक द्वारा एटीएम से 11,13,500 रुपए होने के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पुलिस टीम के द्वारा सीसी कैमरों के माध्यम से जानकारी जुटाई जा रही है और चोरी को अंजाम देने वालों को पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है। देखिए, ये परसों रात की घटना थी जिसको की सूचना हमें जो इनका सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसके माध्यम से हमारे कंट्रोल रूम को मिला था। तत्काल हम सभी पदाधिकारी वहाँ मौके पर पहुँचे तो ये जो चामुंडा कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग है इसमें एसबीआई का एटीएम है जो कि शटर लगा करके बंद था। एक स्कॉर्पियो आई जिससे कि कुछ संदिग्ध उतरे और उन्होंने उसको उसका जो नीचे का लॉक और ग्रिल था उसको तोड़ने के बाद उस एटीएम को बांध करके और खींच के फिर उसको लोड करके ले गए। तत्काल हमारी टीमें सीसीटीवी को मैप करते हुए उनका पीछा करते हुए काफ़ी दूर तक भी गई। घटना के संबंध में लगातार हमारी टीमें लगी हुई हैं। यह जानकारी भी निकल के आई कि ये जो संदिग्ध गैंग था जो कि स्कॉर्पियो का प्रयोग कर रहा था और जो इसके द्वारा अन्य चीज़ें उपयोग की जा रही हैं, इन्होंने राजस्थान, उत्तर प्रदेश के मथुरा, इसके अलावा हरिद्वार और अन्य अन्य स्थानों पर इसी तरह की घटना को अंजाम दिया है। हमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है, शीघ्र ही इसमें भी जो अभियुक्त है उनको हमें पकड़ने में सफलता मिलेगी और इसका हम शीघ्र अनावरण कर लेंगे। दूसरे मामले में अज्ञात हथियारबंद लुटेरियों द्वारा एक शिक्षक यशपाल सिंह चौहान को उनके मकान में बंधक बनाकर नकदी सहित घर में रखे आभूषण लूट लिए गए। चौहान द्वारा लुटेरों का विरोध करने पर लुटेरों ने उनके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। हनुमान नगर फेज 2 निवासी यशपाल सिंह चौहान के घर देर रात दर्जन भर लुटेरे घुस आए और परिवार को बंधक बना लिया और घर में लूटपाट शुरू कर दी। देखिए, मैं 12 बजे यहाँ सोया था और लगभग 1 बजे ही घटना है। 1 बजे जो है वो प्रवेश कर गए थे जो डाकू लोग थे, किस माध्यम से आए बाहर से वो तो वही जानते हैं, लेकिन मेरे जब मुझे कंट्रोल कर लिया तमंजे तान लिए, मुझे कंट्रोल में ले लिया पूरी तरह से। मैंने हुज्जतबाजी की तो मेरे बटों से जो प्रहार किया, फिर मेरे हाथ पैर बांध दिए और मुझे भी अंदर ले आए। अंदर ला कर इन्होंने जो है जो मेरा बच्चा था हनी, ये मेरे इसको भी पकड़ लिया और इससे जो वो चाबी वामियाँ पूछने लगे मारपीट के, इसके साथ ही मारपीट की थोड़ी और चाबी भी ले गए। इन्होंने सेफ खोल दी, सेफ में कम से कम 8-10 हज़ार रुपये नगद थे जो गन्ने के थे, बाकी जेवर था, बाकी जो ज्वेलरी थी, ज्वेलरी 42 लाख की होगी कम से कम, हाँ 40-42 लाख की ज्वेलरी थी करीब, कम से कम 8-10 लोग आइडिया है का आए लोग थे। जब यहाँ पे शोर मचा था तो मैं उठा था तो यहाँ पे कम से कम 8-9 लोग अंदर आए थे और फिर हमें कहा था कि चुप रहो, फिर हमें बांधा था, फिर मुझे लाए अंदर, फिर मुझे ही मारा था, फिर पूछने लग गए कि चाबी कहाँ है, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, मम्मी को पता है चाबी कहाँ है। फिर वो ढूंढने लग गए तो उन्होंने उल्ट पुल्ट करा तो चाबी उन्हें मिल गई थी, तो उन्होंने खोल के फिर सारा सामान ले लिया था। देखिए, रात की लगभग 1 बजे की घटना है और हम लोग उस समय सूर्य चौकी पे थे, रात में गश्त और अन्य ड्यूटियों को चेक किया जा रहा था। इसी क्रम में हमें लगभग 2 बजे करीब में सूचना मिली कि हनुमंत बिहार कॉलोनी है, वहाँ पे कुछ लोग घर में घुसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पे लूट करी है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं भी, क्षेत्राधिकारी, थाना पुलिस सभी मौके पर पहुंचे तो वहाँ पे ज्ञात हुआ कि एक चौहान जी हैं, वो अपने बच्चे के साथ वहाँ रहते हैं, उनकी विशेष शिक्षक है और वो अपने स्कूल में गई थी, वहीं वो रुकी हुई थी, पिता और पुत्र वहाँ पे थे, उनके 2 किराएदार जो लड़कियाँ हैं वो आस पड़ोस के कमरों में रह रही थी। रात के समय कुछ संदिग्ध इनके घर में घुसे चोरी की नीयत से और उनको संभवतः ही अनुमान नहीं था कि वहाँ हो सकते हैं। जब उनको मौके में पा लिए तो उन्होंने, जब इन्होंने उनका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट भी करी और जो अलमारी में रखी हुई उनकी जो भी ज्वेलरी और अन्य सामान थे वो उसको लेकर के चले गए। इस सूचना को पूरी गंभीरता से लेकर रात में भी हमने काउंटिंग करी, कुछ चीजें हमारे हाथ आई हैं। इसके अतिरिक्त दिन में भी हमने इसमें 4 टीमें बनाई हैं और होपफुली इस घटना का शीघ्र अनावरण हमारे द्वारा कर लिया।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज।